हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th क्लास, मौज चल रही है कि नहीं चल रही है? तो पढ़ाई भी करते रहो, मौज भी करते रहो, टेंशन नहीं लेनी है। पढ़ाई कभी भी टेंशन से नहीं होती, ये आप हमेशा ध्यान रखना। आप मन से 1 घंटे पढ़ते हो ना, उसका वर्कलोड काफी अच्छा होता है। वर्कआउट करते हो, आप चीजें देखते हो, तो वहां पर वो बहुत बढ़िया होता है वो चीज। तो जो भी करो मन से करो, और थोड़ा मन अपने हिसाब से भी सेट करो यार, है ना? थोड़ा मन को भी मनाओ कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है। क्लियर? तो चलो, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था भाई, कुछ ध्यान है क्या? बेसिक क्वेश्चन के बारे में अपन ने बात की थी, और बेसिक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा था कि कैसे हम बेसिक क्वेश्चन को यहां पर फाइंड कर रहे हैं, कैसे हम बेसिक क्वेश्चन के थ्रू किसी भी बेसिक क्वेश्चन का ऑर्डर निकाल रहे हैं, केबी का ऑर्डर निकाल रहे हैं, पीकेबी का ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं फटाक से, और मुझे बताओ कि यहां पर केबी का ऑर्डर क्या होगा। जैसे OH माइनस है और SH माइनस है। अगर मैं आपसे KB का ऑर्डर पूछूं, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ पूछूं, तो मुझे बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा अच्छी होगी? तो बताओ, क्या एक चीज हमने ये सीखी थी कि जब चीजें सेम फैमिली की होती हैं, जब सेम फैमिली के ग्रुप होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर, जब चीजें सेम फैमिली की होती हैं बच्चों, तो वहां हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों, मुझे बताओ, जितना छोटा एटम होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। क्लियर बात है? अब मुझे बताओ कौन किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेस्ट है। तो मैं कह सकता हूं अगर ये 1 है, अगर ये 2 है, तो मेरे पास 1 is greater than 2 आएगा। क्लियर बात समझ में आती है क्या? अब इसी चीज से एक कॉन्सेप्ट को बनाते हैं यार, एक कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, उस चीज को सीखना। मान लो बच्चों, मैंने आपसे यहीं पर इस OH माइनस की जगह मेरा क्वेश्चन होता वाटर है और H2S है, और मुझे निकालना होता Ka, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना होता। तो सबसे पहले मैं क्या करता, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता। क्या बनाता? कॉन्जुगेट बेस। और वो क्या बनता? OH माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता और वो क्या बनता? SH माइनस। अब मुझे बताओ, कॉन्जुगेट बेस जब हमने बनाया है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी किसमें है? तो मुझे बताओ, अगर मैं के का ऑर्डर लिखता तो मुझे पता है साइज फैक्टर वर्क करता और एस माइनस जीत जाता। अगर मैं यही के भी पूछता, तो जितना अच्छा एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होगा? वीक होगा। जैसे अगर मेरे पास यहां पर OH माइनस था, SH माइनस था, क्या यहां OH माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी थी, SH माइनस की कम अच्छी थी? तो किस तरीके से Ka और Kb में रिवर्स ऑर्डर आता है, क्या आपको पता चल गया? नेगेटिव की स्टेबिलिटी अलग बात है, बेसिक स्ट्रेंथ अलग बात है, ये आप ध्यान रखो, कंपैरिजन को मिक्स मत करो। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैव अ वीक कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक कॉन्जुगेट बेस। क्या समझ में आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, लेकिन वीक क्या है इसका? कॉन्जुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ है। तो बताओ बच्चों, मैं ये लाइन यहां पर ठीक कर सकता हूं कि वीक एसिड हैव, या वीक या स्ट्रॉन्ग पहले लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। ठीक, मतलब अगर मेरे पास वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बाकी अच्छा होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है? चलिए इसके आगे की बात करते हैं। तो मुझे ये बताइए बच्चों, अगर मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ निकालने को दिया जाता तो मेरे पास ये लाइन मुझे पता चल गई है। अब बताइए, अगर मेरे पास बोले कोई मान लीजिए ये NH2 है, ये NH2 है और ये NH2 है, इनमें मुझे पूछा जाए कि यहां पर KB का ऑर्डर बताएं, तो KB का ऑर्डर बताने का मतलब क्या हुआ बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ। और बेस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी।
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा अच्छी होगी, जिसके पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, अच्छी होगी। सारी बात अपन कर चुके हैं, तो मुझे बताओ वन और टू में दोनों में लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज है, और दोनों में लोन पेयर डीलोकलाइज है बच्चों, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किसमें है, फर्स्ट वाले में या सेकेंड वाले में? क्या फर्स्ट वाला रेजोनेंस डबल बॉन्ड ओ के साथ कर रहा है, सेकेंड वाला रेजोनेंस डबल बॉन्ड सी के साथ कर रहा है? डबल बॉन्ड ओ की खींचने की टेंडेंसी, विड्रॉइंग टेंडेंसी अच्छी होगी, और डबल बॉन्ड सी की विड्रॉइंग टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? तो मुझे बताओ जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा किसी दूसरे को देने में क्या होगी, दिक्कत होगी। और थर्ड वाले में देखो तो लोन पेयर बिल्कुल बैठा हुआ है, मस्त मौज कर रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि थर्ड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, देन सेकेंड की होगी, देन वन की होगी। सेकेंड और वन में कैसे देखा, सेकेंड में कम खींचेगा, कम विड्रॉइंग टेंडेंसी है, और फर्स्ट में ज्यादा विड्रॉइंग टेंडेंसी है। तो चले आगे क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए मेरे पास एक और क्वेश्चन यहीं पर होता, सब में मैं क्या पूछ रहा हूं, अब इसमें मुझे पीके भी निकालना है, तो पीके भी अगर कोई पूछे तब भी आपको निकालना क्या होगा, के बी ऑर्डर निकालना होगा। क्लियर बात समझ में आती है? मान लीजिए मेरे पास सी एस थ्री माइनस है, एन एस टू माइनस है, ओ एच माइनस है, और एफ माइनस है। क्या मुझे पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ, बी एस मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर पे अगर हम आंसर करें तो बताओ यहां पर आंसर क्या आएगा, दिस इज के बी। अब पी के बी पूछा है तो पी के बी क्या होगा, उल्टा, उल्टा मतलब एफ माइनस, देन ओ एच माइनस, देन एन एच टू माइनस, एंड देन सी एस थ्री माइनस। क्या समझ में आता है? तो आपको यह चीज क्लियर हो गई कि यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ कैसे हम निकाल रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करें यहां पर फटाक से। मान लीजिए मेरे पास और ये एन है, क्लियर। अगर मुझे आप ये बताएं कि मेरे पास अगर पूछा जाए वन टू और थ्री में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, ध्यान देंगे बच्चों इसको, कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आपको ओवरऑल ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें मैक्सिमम है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बल्कि फर्स्ट में भी रेजोनेंस कर रहा है और सेकंड सॉरी थर्ड में भी रेजोनेंस कर रहा है। क्लियर बात दिखती है? अब यार मुझे पता लग गया कि जो भी है सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, सबसे बेस्ट होने वाली है, इतना मुझे पता चल गया। थर्ड और वन की बात करें तो थर्ड में क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ डीलोकलाइज कितना हो रहा है, दो के साथ हो रहा है, यहां पर भी डीलोकलाइज दो के साथ हो रहा है। लेकिन बच्चों अगर कहीं लीनियर कॉन्जुगेशन होता है और कहीं क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है तो लीनियर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। ध्यान रखिएगा लीनियर कॉन्जुगेशन मोर इफेक्ट, लिख देता हूं मैं यहां पर, नोट कर लीजिए, लीनियर कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्लियर बात समझ में आती है? लीनियर कॉन्जुगेशन हमेशा क्रॉस कॉन्जुगेशन से क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर, नोट कर लें इसे। तो मुझे बताएं यहां पर टू के बाद वन में कम रेजोनेंस है और थर्ड में ज्यादा रेजोनेंस है, तो कम रेजोनेंस है तो किसी को देने में इजिली कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे बताएं टू के बाद क्या आएगा, वन, और वन के बाद क्या आएगा, थ्री। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने, आपको ध्यान होगा, अपन ने पढ़ा था एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था, उसी तरीके से अपन यहां पर भी पढ़ने वाले हैं क्या, बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड बातें पढ़ने वाले हैं। अब हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज एस आई पी एंड एस आई आर। इन दोनों कॉन्सेप्ट को सीखो और ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको आप समझोगे नहीं तो नहीं सीख पाओगे। अब पहले मैं इनका फुल फॉर्म बताता हूं और इनके फुल फॉर्म के थ्रू ही तुम समझ पाओगे कि एक्चुअल में यहां क्या हो रहा है। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए जैसे मान लीजिए एस आई पी, एस आई पी का मतलब क्या होता है, एस डिनोट्स फॉर स्टेरिक
आई फॉर इनहिबिशन एंड पी फॉर प्रोटोनेशन। क्या मतलब हुआ इसका, चीजें समझोगे ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। स्टेरिक का मतलब क्या हुआ, बल्की ग्रुप। स्टेरिक का मतलब क्या हुआ, बल्की ग्रुप। इनहिबिशन का मतलब क्या हुआ, स्टॉप। इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना या स्टॉप होना, ठीक। और प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी या एच प्लेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। लोन पेयर डोनेटिंग और एच प्लस एक्सेप्टर एक्सेप्टिंग, क्लियर। इन चीजों को समझो क्या मतलब है। यार एक चीज मुझे ये बताओ, मतलब ये हुआ कि स्टेरिक की वजह से किस चीज में स्टॉप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन या लोन पेयर डोनेशन। यार मुझे ये बताओ, क्या बेसिक स्ट्रेंथ की सबसे मेन बात यही होती है कि उसका लोन पेयर डोनेट होना चाहिए, उसका लोन पेयर किसी भी तरीके से डोनेट करने की टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए। अब किसी ने कहा कि सर यहां तो मैंने बात पूरी पूरी उल्टी कर दी, कैसे, बल्की ग्रुप की वजह से किस काम में रुकावट हो गई है, बेसिक स्ट्रेंथ का जो काम है प्रोटोनेशन करना उसमें रुकावट हो गई है। अगर उसमें रुकावट हो गई है तो क्या मैं यह समझूंगा कि एसआईपी की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ में कमी आएगी। मैं किसी दयालु आदमी को बोलूं कि भाई दया करना बंद कर दे यार, माने किसी दयालु आदमी को बोलूं कि भाई दया करना कम कर दो, क्या वो करेगा, वो बोलेगा भाई भाग जाओ नहीं तो बहुत मारूंगा, यही बोलेगा वो, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ, उसको मैं बोलूं कि भाई लोन पेयर देना बंद कर दे, वो बोलेगा भाई मुझसे मेरी जान ले रहा है क्या, उससे उसकी जान मांग ली उसने, क्या वो बोलेगा, नहीं। इसका मतलब क्या स्टेरिक की वजह से प्रोटोनेशन में रुकावट ही क्या कहलाती है, एसआईपी। अब मैं समझाता हूं कि कैसे यहां पर वर्क करता है प्रोसीजर, उस चीज को यहां पर सीखो कैसे। मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक बेंजीन रिंग है और इससे मैंने NH2 ग्रुप लगा दिया, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसी तरीके से मेरे पास यहां पर बेंजीन रिंग है और यहां मैंने अब लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे मेथिल ग्रुप। क्यों, क्योंकि आपको पता है रिपल्शन फैक्टर हमेशा कहां आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। कहां आएगा हमेशा बच्चों, ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे हमेशा क्या आएगा, रिपल्शन फैक्टर आएगा। रिपल्शन फैक्टर की वजह से ही कुछ काम होने वाला है। अगर मान लीजिए मुझे अपने आप से सोचना होता तो मैं क्या सोचता कि यार इसमें भी एन का लोन पे डीलोकलाइज है, इसमें भी एन का लोन पे डीलोकलाइज है। ये मैथिल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो कर रहा है। ये NH2 ग्रुप क्या कर रहा है, यहां पर कोई ग्रुप नहीं लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल बढ़ेगी और ये बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं 1 और 2 रखूं तो 1 की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी और 2 की ज्यादा होगी। अपन सोचते कुछ इसी तरीके से, और यही पर ये क्या हो जाता है, गोल बटा सन्नाटा, गलत हो जाता बच्चों। इसी चीज को समझने के लिए अपन ने ये टॉपिक लिया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ चुका है बच्चों, हमेशा ध्यान रखो इससे क्वेश्चन वो पूछ चुका है। तो इन चीजों को आपको हमेशा क्या करना है, अपने माइंड में रखना है। तो ये यहां पर कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब क्यों गलत होता है समझिएगा उस चीज को। यहां पर क्या होता है बच्चों, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर NH3+ बन जाए तो ये बल्की ग्रुप होता है, अगर ये NH2 है तो ये स्मॉल ग्रुप है, पक्की बात है। स्मॉल ग्रुप के साथ बल्की लगाए तो कोई रिपल्शन फैक्टर नहीं है। लेकिन सोचो अगर ये अपना बेसिक स्ट्रेंथ का काम कर दे, बेसिक स्ट्रेंथ का काम का मतलब क्या हुआ, अपना लोन पेयर किसी एच प्लस को डोनेट कर दे, तो क्या जो क्वांटिटी बनने वाली है वो क्या बनने वाली है बच्चों, वो बनने वाली है NH3+ और यहां पर मैथिल ग्रुप। अब सोचो कि यहां पर दिक्कत क्या हुई, अब जब स्मॉल ग्रुप था तब इसमें रिपल्शन बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब ये बल्की बन गया, और ये बल्की ग्रुप होता ही है, मुझे पता है कार्बन कंटेनिंग ग्रुप क्या होते हैं, बल्की ग्रुप होते हैं, तो वहां पर जब बल्की ग्रुप है तो वहां वो रिपल्शन फैक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझिए, ऑब्जर्व करिए चीजों को।
तो बच्चों हमने यहां पर एक चीज ये देखी कि कैसे यहां पर लोन पेयर डोनेट करने के बाद ये ग्रुप क्या बन गया, बल्कि, और ये पहले से क्या है, बल्कि। और मुझे बताइए कि अपन ने ऑर्थो इफेक्ट में पढ़ रखा था इनमें इतना ज्यादा रिपल्शन होगा कि ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब आप इस चीज को समझो, पूरी चीज को, कि यार अगर मुझे किसी ने बोला कि यार पैसे दे दो, तो मैंने उसको पैसे दे दिए, ठीक, मैंने उसको पैसे दे दिए, अभी मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसको पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद उस चीज को लेकर मेरे घर में लड़ाई शुरू हो गई कि तुमने उसको पैसे क्यों दिए, क्यों दिए, क्यों दिए, तो क्या मैं उसको आगे से पैसे दूंगा? नहीं दूंगा। फिर से समझिए इस चीज को कि अगर यहां पर ये लोन पेयर डोनेट नहीं करता तो आपस में खुश था, खूब खुश था कि भाई कोई रिपल्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इसने लोन पेयर दिया, अब भाई साहब इसमें रिपल्शन शुरू हो गया। क्या ये कोई ऐसा काम करना चाहेगा जिससे इसको अनस्टेबिलिटी मिले? बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। इसीलिए यहां पर क्या लिखा जाता है, SIP, स्टेरिक की वजह से प्रोटोनेशन में रुकावट, प्रोटोनेशन में स्टॉपेज। तो बताओ क्या ये एक बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बहुत बेकार बात है? बिल्कुल अच्छी। अगर यहां पर बोले तो ये इजिली किसी को दे सकता है और देने के बाद इसको कुछ दिक्कत नहीं होगी, कोई रिपल्शन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहां कोई ग्रुप लगा ही नहीं है। तो मुझे बताओ यहां पर अगर केबी का ऑर्डर बोलूं तो केबी का ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ कम किसकी होगी, इस वाले की। क्यों? क्योंकि ये अपना जो बेस का काम है वो ही नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल स्टोरी आपको समझ में आई कि स्टेरिक की वजह से किस चीज में रुकावट, प्रोटोनेशन में। तो अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ गई तो आप इस वर्ड को समझ सकते हो, इस सारी चीजों को समझ सकते हो। तो सिंपल सी बात है, मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहूंगा जिससे मुझे अनस्टेबिलिटी आए। आप ऐसा कोई काम नहीं करना चाहोगे जिससे आपको अनस्टेबिलिटी आए। क्लियर बात है? तो बताओ ये अपना मेन काम ही नहीं करना चाह रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? बढ़िया, समझ में आ रहा है सब कुछ? तो चलो नोट कर लो इसे, SIP। क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताता हूं SIR इफेक्ट क्या होता है। इसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर चीजें कुछ डिफरेंस होती हैं। दोनों को समझ के फिर अपन खूब सारे एग्जांपल यहां पर करने वाले हैं। क्या मतलब होता है समझिए। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो S फॉर स्टेरिक, I फॉर इनहिबिशन एंड R फॉर रेजोनेंस। अब समझिएगा कि क्या मतलब है। स्टेरिक का मतलब आप सबको पता है, यहां स्टेरिक का मतलब क्या है, रिपल्शन से। स्टेरिक का मतलब क्या है, रिपल्शन, या मैं कह सकता हूं बल्कि ग्रुप के प्रेजेंट से। किसके प्रेजेंट से? बल्कि ग्रुप के प्रेजेंट से। इनहिबिशन का मतलब क्या है, अभी आपने देखा, इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट या फिर स्टॉपेज। क्लियर? रेजोनेंस का मतलब सिंपल आपको पता है, रेजोनेंस का वर्क क्या होता है, उस चीज में रुकावट। अब यार इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी भी समझते हैं। मुझे बताओ किसी भी बेसिक स्ट्रेंथ में मैं बेस को बोलूं कि यार तू ऐसा काम करो, रेजोनेंस मत करो, तो बोलेगा बहुत बढ़िया है यार, मैं रेजोनेंस नहीं करूंगा तो मैं खूब खुश रहूंगा और मैं किसी को भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता हूं। सही बात है? अगर रेजोनेंस कर लेगा तो किसी को इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत नहीं होगी, उसको दिक्कत होगी। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसा फैक्टर वर्क कर रहा है SIR, तो वहां पर जब ये रेजोनेंस करने में रुकावट करेगा, ये बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। इसका मतलब बच्चों SIR इफेक्ट की अगर हम बात करें तो SIR इफेक्ट में आपको ध्यान क्या रखना है, SIR इफेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास यहां पर अगर कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग के साथ मैथिल ग्रुप लगे हैं और साथ ही साथ यहां पर भी बल्कि ग्रुप है और यहां पर भी बल्कि ग्रुप है। क्यों? मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में बताया था कि जब दोनों साइड बल्कि ग्रुप होते हैं और बीच में भी बल्कि होता है तो वो इतना रिपल्शन करते हैं, इतना रिपल्शन करते हैं कि वहां पर ये रिपल्शन कम करने के लिए अपना प्लेन चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लेन चेंज। अब प्लेन चेंज कर दिया तो इसके लोन पेयर का प्लेन भी चेंज हो गया, और लोन पेयर का प्लेन चेंज हो गया बच्चों तो क्या वो इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो किसी को भी लोन पेयर देने में क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो ये क्या होता है, आपस में इतने रिपल्शन करते हैं नाइट्रोजन के ग्रुप कि ये इजिली यहां पर रोटेट हो जाते हैं। यहां पर जो ग्रुप है
यहां पर जो ग्रुप है ये हो सकता है एन मैथिल मैथिल भी हो सकता है, ये एक मैथिल ग्रुप भी हो तब भी हो सकता है, अगर लेकिन ये NH2 है तो यहां पर कोई ग्रुप नहीं होगा, यहां पर SIR नहीं होगा। मतलब SIR ग्रुप के लिए बीच में क्या होना चाहिए, अगर एक मैथिल कंटेनिंग है तब भी यहां पर SIR हो जाएगा, अगर दो मैथिल कंटेनिंग है तब भी यहां SIR हो जाएगा। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। और इसी तरीके से SIP में क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो आपको समझ में आया, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब अपन करेंगे तो अपने को नहीं समझ में आता कि कब SIP लग रहा है और कब SIR लग रहा है। तो अगर दोनों चीजों को अपन समझ के सीखे तो मेरे ख्याल से सबसे परफेक्ट सीख सकते हैं। ठीक, तो समझ के सीखो, परफेक्ट सीख जाएंगे और फिर उसके बाद क्या है भाई, मौज मौज करेंगे फिर। क्लियर? तो चलो सिंपल। तो चलो मुझे बताओ क्या यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी? क्यों, फिर से समझाता हूं मैं। स्टेरिक की वजह से रुकावट हो रही है किसमें? रेजोनेंस में। इस लोन पेयर से इसमें रेजोनेंस में रुकावट हो रही है, किसकी वजह से? स्टेरिक की वजह से। तो बताओ रेजोनेंस में रुकावट है। क्यों रुकावट है? क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा है। इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए प्लेन क्या करेगा, चेंज कर देगा और इजिली किसी को भी एच प्लस दे सकता है, क्योंकि लोन पेयर क्या है उसके पास, बचे हुए हैं। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए आगे करते हैं, नोट कर लीजिए बच्चों दोनों। अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराता हूं और उस क्वेश्चन करने पर आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे कि अगर मेरे पास कहीं पर भी SIP आता है तो SIP की वजह से क्या होगा, प्रोटोनेशन में रुकावट। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बहुत बेकार बात है, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। इसका मतलब कहीं पर भी अगर SIP लग रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना ही नहीं चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया तो वो रिपल्शन की वजह से मर जाएगा। सिंपल, मान लीजिए क्वेश्चन मैं बोलूं आपको, मेरे पास है NH2 ग्रुप, यहां लगा दिया मैंने मैथिल ग्रुप, उसके बाद मैंने देखा NH2 ग्रुप है और अब मैंने कहां लगा दिया मैथिल ग्रुप, यहां लगा दिया, फिर मैंने देखा NH2 ग्रुप है और मैथिल ग्रुप मैंने कहां लगा दिया, यहां लगा दिया। अब नॉर्मल क्वेश्चन के थ्रू अगर सॉल्व करोगे तो गलती कर दोगे, लेकिन अगर सब कुछ सोच के करोगे तो गलती बिल्कुल नहीं करोगे और ऑर्डर निकाल लोगे, किसका? बेसिक स्ट्रेंथ का। क्लियर है? तो चलिए कोशिश करिए, कोशिश करिए और सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है अगर आप चाहते हैं तो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर टू मैं इधर लिख रहा हूं, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर वन को आराम से कर लीजिए आप। चलिए ये तीनों क्वेश्चन आप करें, यहां पर भी आपको के भी निकालना है बच्चों। चलिए मुझे बताएं ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा इन तीनों क्वेश्चन में। आराम से करें, सोच के करें, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, अभी कोई एग्जाम नहीं है। अगर आज आप सोच के करते हैं तो आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने सोचा था, आपने बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व किया है। तो जितना हो सके आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम आपको ध्यान अच्छे से देना है बच्चों। ये गलती बहुत होती है, अपन जल्दबाजी बहुत करते हैं जब अपन सीखते हैं, और सीखने के टाइम जल्दबाजी नहीं करनी है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करते हैं। मुझे बताइए यहां पर क्या ऐसे कुछ ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं जो फैक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे अपन ने अभी पढ़ा SIP। बिल्कुल बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है SIP, क्या मतलब है SIP का? स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, स्टेरिक की वजह से प्रोटोनेशन में रुकावट। इनहिबिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रुकावट। क्लियर? अब बताओ प्रोटोनेशन का काम, जो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे मेन काम था, मैंने वही काम रोक दिया, क्या वो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी बेकार हो जाएगी? बिल्कुल बेकार हो जाएगी बच्चों। तो मुझे बताओ क्या यहां पर वन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे बेकार होगी? क्या क्लियर बात समझ में आती है? क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोटोनेशन करना ही नहीं चाहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ अपना काम करना ही नहीं चाहेगा। बात करें टू और थ्री में, कोई रिपल्शन फैक्टर नहीं है, और कोई रिपल्शन फैक्टर नहीं है बच्चों, तो मुझे बताओ यहां पर है हाइपर कॉन्जुगेशन और यहां है इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहां क्या है बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब
क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो मुझे बताओ ऑर्डर क्या होगा बच्चों, ऑर्डर हो जाएगा 2, 3, 1। तो बच्चों यहां पर हमने कैसे यहां पर 2, 3, 1 लिखा कि आपको क्लियर हो चुका है। सबसे पहले अपन ने यहां क्या देखा था बच्चों कि अगर मुझे कहीं पर भी SiP इफेक्ट दिखता है, मतलब स्टेरिक की वजह से प्रोटोनेशन में रुकावट, तो वहां बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। इसलिए मैंने यहां बेसिक स्ट्रेंथ क्या किया, सबसे कम किया हुआ है। 2 और 3 की कंपैरिजन करें, 2 और 3 में बच्चों 2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ेगी, 3 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ेगी। इसका मतलब ऑर्डर होगा 2, 3, 1। बात करते हैं बच्चों यहां पर, मुझे बताएं क्या आपको अभी मैंने SiR इफेक्ट पढ़ाया है, और SiR इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, स्टेरिक की वजह से रेजोनेंस में रुकावट। SiR का मतलब क्या हुआ, स्टेरिक की वजह से रेजोनेंस में रुकावट। इसका मतलब क्या, मैं कह सकता हूं कि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो भी है क्या वो लोकलाइज्ड है। अब लोकलाइज्ड है बच्चों, और इसका लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, और इसका भी क्या है, डीलोकलाइज्ड है। इसका मतलब जो सबसे बेस्ट बेस होगा वो 1 होगा, इतना क्लियर है, क्लियर, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। लेकिन बच्चों अगर 2 और 3 की बात करें तो 2 और 3 में मैंने देखा कि दोनों के लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज है। इसका मतलब लगे हुए ग्रुप डिपेंड करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाइपर कंजुगेशन की वजह से बढ़ जाएगी। इसका मतलब ऑर्डर होगा 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं, यहां पर मुझे बताओ 1, 2, 3 में क्या मुझे पता है कि यहां पर अगर बल्कि ग्रुप है तो क्या यहां इफेक्ट आएगा SiR। इसका मतलब यहां रेजोनेंस में रुकावट होगी जो कि सबसे बेस्ट है। यहां पर बल्कि ग्रुप की वजह से प्रोटोनेशन में रुकावट, मतलब SiP, इसका मतलब ये प्रोटोनेशन नहीं करना चाहेगा। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। यहां बात करें तो कोई फैक्टर नहीं है, जैसा है लोन पेयर अपना डीलोकलाइज हो रहा है। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा बेस हो, अच्छा बेस होगा, तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा बच्चों, 1। क्यों, क्योंकि 1 में लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। इसका मतलब 1 जो होगा सबसे बेस्ट होगा। 2 और 3 की बात करें तो 2 और 3 में क्या होगा बच्चों, यहां डीलोकलाइजेशन है, यहां डीलोकलाइज नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैं कर सकता हूं 1 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 2, क्योंकि 2 में क्या है, SiP है। SiP में क्या होगा, प्रोटोनेशन का वर्क रुक जाएगा, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। नोट कर ले बच्चों इसे। तो अपन ने ये सीख लिया कि कैसे यहां पर SiP इफेक्ट लग रहा है और कैसे SiR इफेक्ट लग रहा है, सीख गए अपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, तो इसको ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक NCERT की पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि वो भी बहुत पूछा जाता है। कैसे पूछता है बच्चों, वो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से हमें पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है समझिएगा बच्चों, यहां पर अगर मेरे पास कभी भी बोले ये 1 डिग्री एमाइन है, कौन सा कंटेनिंग, मैथिल ग्रुप कंटेनिंग, मतलब या तो 1 डिग्री एमाइन होगा, या तो 2 डिग्री एमाइन होगा, या तो 3 डिग्री एमाइन होगा। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में अगर मुझसे किसी ने कहा कि सर मुझे बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर बात समझ में आती है। यहां पर जब बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जेई मेंस में आ चुका है, एडवांस में आ चुका है, नीट में आ चुका है, तो इस कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर। मुझे बताओ अगर मुझे कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है तो हमेशा यहां पर 2 फेज होंगे, पहला गैसियस फेज और दूसरा एक्वस फेज। अगर कभी भी कुछ ना लिखा हो तो आप हमेशा क्या मानोगे, एक्वस फेज मानोगे, मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर मानोगे आप, प्रेजेंस ऑफ वाटर। कब, जब कुछ भी ना लिखा हो। लेकिन अगर गैसियस फेज ब्रैकेट में लिख के आ रहा है कि ब्रैकेट में गैसियस फेज लिखा हो और पूछे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, तो आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान देना बच्चों। अगर मुझे कभी गैसियस फेज के बारे में बोलता तो गैसियस फेज का मतलब क्या हुआ, किसी एक जार में इन सारे ग्रुप्स को रखा गया,
कोई भी इन्वॉल्वमेंट बाहर का कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जो इस कंपाउंड में हो रहा होगा हमें उसी को ऑब्जर्व करना है। अगर मैं देखूं तो यहां पर तीन मैथिल ग्रुप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, यहां पर दो मैथिल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा पाएंगे और वन मैथिल ग्रुप और कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा पाएगा। इसका मतलब गैसियस फेज में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थर्ड की होगी, देन टू की होगी, देन वन की होगी, और यही आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। कब? एन कंटेनिंग मैथिल ग्रुप। क्लियर है? अब बताओ मुझे, अगर मेरे पास एक्वस फेज बोलता है तब क्या होगा? तो चीजें समझो बच्चों, एक्वस फेज का मतलब हुआ कि यहां प्रेजेंस किसकी है बच्चों? वाटर की है। किसकी प्रेजेंस है? वाटर की। वाटर मॉलिक्यूल हर तरीके से क्या होंगे? डिवाइड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये नाइट्रोजन कंटेनिंग मैथिल ग्रुप है तो वन है, अगर वन डिग्री है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मैथिल बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ जब ये रिएक्शन करने जाएगा, H प्लस लेने जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहां पर कोई रिपल्शन फैक्टर नहीं है। आप खुद सोचो, अगर मुझे H प्लस लेने जाना है तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं उनके इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा हूं? शेयर कर रहा हूं। जब शेयर कर रहा हूं तो ऑर्बिटल अगर अगल बगल बड़े नहीं है तो अच्छे से शेयरिंग होगी। अगर ऑर्बिटल्स बड़े बड़े लगे होंगे तो क्या शेयरिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसका मतलब बच्चों, जब वन डिग्री होता है तब बहुत अच्छे से वहां पर शेयरिंग हो जाती है, टू डिग्री होता है तो और अच्छे से शेयरिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ा रहा है और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसका मतलब टू डिग्री में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर थ्री डिग्री आता है तो थ्री डिग्री में क्या होता है बच्चों? मैथिल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, नो डाउट, लेकिन जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वन को देने जाता है, एच को लेने जाता है, तो इन मैथिल ग्रुप का रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये H प्लस को अपनी तरफ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। और मुझे बताओ, अगर H प्लस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है तो क्या 3 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी? सिंपल सी बात है। तो बच्चों, यहां जो ऑर्डर आता है एक्वस फेज में, वो आता है 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। क्या समझ में आती है इतनी चीजें? क्लियर बात समझ में आ गई? तो एक्वस फेज में ऑर्डर क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों हुआ 3 डिग्री कम? क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर ये H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और एक बेसिक स्ट्रेंथ का काम होता है H प्लस को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करना, एक्सेप्ट करना। क्लियर बात समझ में आती है? इसको नोट करें, फिर मैं एक और चीज बताता हूं, इसी से रिलेटेड है और वो भी पूछी गई है, एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ये, इसलिए इसको ध्यान रखें बच्चों। क्लियर? अब इसी में बच्चों एक और चीज पूछी जाती है, एन कंटेनिंग मैथिल ग्रुप। तो आपने सीख लिया कि एन कंटेनिंग मैथिल ग्रुप में क्या होता है। गैसियस फेज में तो आपको क्या देखना है? जो चीज आपको दिख रही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है तो मैं मैक्सिमम कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे लग रही है कम हो रही है तो मैं कम कर दूंगा। इसका मतलब वो किस पर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, गैसियस फेज। लेकिन एक्वस फेज की जब हम बात करेंगे तो वहां लोन पेयर क्या होने चाहिए? डोनेटिंग टेंडेंसी पे होने चाहिए। जितना ज्यादा डोनेशन होगा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? अच्छी होगी। मान लीजिए यहां पर मेरे पास एन कंटेनिंग एथिल ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर मेरे पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है बच्चों, तो यहां पर क्या होता है? बहुत अच्छी बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। क्या? बेसिक स्ट्रेंथ में मैंने आपको बताया दो फेज होते हैं, पहला फेज होता है बच्चों गैसियस फेज और दूसरा होता है एक्वस फेज। मैंने आपको बताया अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आप क्या मानोगे? एक्वस फेज मानोगे। अगर लिख के आ रहा है तभी आप क्या मानोगे? गैसियस फेज मानोगे। पहले बात करते हैं गैसियस फेज की। तो गैसियस फेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो गैसियस फेज में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब ऑर्डर होगा 3-2-1। तो मुझे गैसियस फेज को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैथिल कंटेनिंग में भी ऑर्डर क्या आ रहा था? 3-2-1, और इसमें भी ऑर्डर क्या आ रहा है? 3-2-1। लेकिन जो ये मुझे ध्यान रखना है, जो मुझे याद रखना है, वो है एक्वस फेज। अब क्या होता है एक्वस फेज में, ध्यान दो। अगर मेरे पास मान लो एन लोन पेयर कंटेनिंग एथिल ग्रुप है तो यहां क्या होता है बच्चों? लोन पेयर जब ये एक्वस फेज में डिसॉल्व होता है तो ये 1 डिग्री तो इजीली क्या कर सकता है? H प्लस को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर सकता है। 2 डिग्री है
वो भी कर सकता है, और 3 डिग्री है वो भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वेशन करता है, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वेशन वो भी करता है बिकॉज ऑफ एथिल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो दो 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 होते हैं और मैथिल में तीन 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 होते हैं, इसकी वजह से रिपल्शन फैक्टर थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। अब यहां पर जो ओवरऑल फैक्टर आता है एक्सपेरिमेंट के बाद वो आता है बच्चों 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्या आपको याद करने में कोई दिक्कत होगी? मैं आपको याद करना सिखाता हूं कि एक्वस फेज में कैसे आप एन कंटेनिंग मैथिल ग्रुप को देखोगे और एन कंटेनिंग एथिल ग्रुप को देखोगे, कैसे एक्वस फेज में। अब आपको पता है एक्वस फेज में जो भी है, या तो मैथिल में क्या आ रहा था, आपको ध्यान है क्या मैथिल में क्या आ रहा था? मैथिल में आ रहा था एक्वस फेज में 2, 1, 3। क्लियर है? इसका मतलब या तो आंसर आएगा 213 या तो आएगा 231, या यही आंसर आ सकते हैं, या तो आएगा 213 213 या आएगा 231, यही दोनों है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे बताओ छोटी क्वांटिटी कौन है 213, इसका मतलब बताओ छोटा कौन है, मैथिल या एथिल? मैथिल। बड़ा कौन है 231, और यहां बड़ा कौन है? एन कंटेनिंग एथिल। तो इस तरीके से हमें याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बच्चों, और हम इजिली चीजों को समझ सकते हैं, इजिली चीजों को यहां पर सीख सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप बहुत ही अच्छे से याद रखना, ये दोनों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इन्हें बहुत अच्छे से याद रखें, नोट कर लें बच्चों दोनों पॉइंट। तो मुझे बताओ क्या मुझे एक्वस फेज में कोई दिक्कत है, क्या मुझे गैसियस फेज में कोई दिक्कत है, क्या मुझे SIP SIR में कोई दिक्कत है? सब कुछ सही चल रहा है? इसका मतलब अभी अगर बेसिक स्टेशन की बात करें तो बहुत कुछ अपन यहां पर सीख चुके हैं। क्लियर बात समझ में आती है? जैसे मान लीजिए मेरे पास और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी JEE में पूछा गया है, बहुत बेसिक नॉलेज से पूछा गया है, ध्यान दीजिए क्या है। इसे बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं? एनिलीन। इसे बोलते हैं बच्चों पिरिडीन, क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं पाइरोल, और इसे बोलते हैं पिरिडीन। ये नाम से बच्चों पूछे जाते हैं, इसलिए नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, एनिलीन, पाइरोल एंड पिरिडीन। आपसे पूछा जाता है इसमें JEE एडवांस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, फिर अपन और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहां पर सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? N का लोन पेयर अगर डीलोकलाइज है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, अगर N का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज कहां है बच्चों? पिरिडीन में। इसका मतलब 1, 2, 3 में जो सबसे अच्छी बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो पक्की बात है 3 की होगी। अब मुझे देखना क्या है, मुझे 1 और 2 देखना है, जो कि बहुत अच्छे से समझिए। यहां पर मुझे बताओ अगर 1 में इलेक्ट्रॉन पेयर के देखा जाए तो क्या आप यही सोचोगे कि यार इसका भी रेजोनेंस हो रहा है, और यहां पर सोचोगे कि यार यहां पर नाइट्रोजन है इसका भी रेजोनेंस हो रहा है? लेकिन आप कभी यह नहीं सोच सकते कि यार रेजोनेंस एक साइड हो रहा है और रेजोनेंस दोनों साइड हो रहा है, तो दोनों साइड हो रहा है तो ज्यादा होगा, एक साइड होगा तो कम होगा, ऐसा नहीं सोचना है बच्चों, ऐसा नहीं सोचना है। क्लियर? तो मुझे ये बताओ अगर मेरे पास कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाए इन दोनों में, तो बेसिक स्ट्रेंथ का एक फंडा ये भी था H+ को एक्सेप्ट करना। तो सोचिए जब ये H+ एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद क्वांटिटी क्या बन जाएगी बच्चों? क्वांटिटी बन जाएगी NH3+। क्या समझ में आता है? यहां क्या बन जाएगा बच्चों H+ लेने के बाद? यहां बन जाएगा बच्चों NHH+। अब आप बहुत ध्यान से देखो, अब चीजें समझने लायक है। ये पहले एरोमेटिक था, अभी भी एरोमेटिक है, समझ में आता है? इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, H+ इसने ले लिया, सब सही है। यहां पर 2, 2, 4, 2, 6 अभी एरोमेटिक है, लेकिन क्या अब रेजोनेंस होगा? क्योंकि रेजोनेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका मतलब यहां रेजोनेंस नहीं है, और रेजोनेंस नहीं है, क्या ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन गया? मैं आपसे बोलूं, आप बहुत अमीर हो, आप गरीब होना चाहोगे क्या? नहीं। आप अपने आप को अनस्टेबल करना चाहोगे क्या? नहीं। आप अपने पढ़ाई को खत्म करना चाहोगे क्या? नहीं।
ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे आपको अनस्टेबिलिटी मिले, क्या ये ऐसा कोई काम करना चाहेगा जिससे वो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जाए? नहीं करना चाहेगा। इसका मतलब यहां पर H प्लस एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। इसका मतलब बच्चों पायरोल की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगी। आंसर आएगा 3, 1, 2। क्लियर बात समझ में आती है? नोट कर ले बच्चों इसे, पूछा गया क्वेश्चन है जेई में, बहुत अच्छे से यहां नोट कर ले इसे। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि कैसे हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकाल पा रहे हैं, कैसे हम बेसिक स्ट्रेंथ को समझ पा रहे हैं। तो आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन और अच्छे से सीखेंगे कि कैसे कैसे यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ निकाली जाती है, कैसे कैसे बेसिक स्ट्रेंथ के और क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ अपन यहां पर लेक्चर को एंड करते हैं और इसी तरीके से आप इंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें और चीजों को बच्चों नोट करते रहें। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।